गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड के हिंदी सब्जेक्ट के चौथे अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, करमवीर गरीब क्यों हो गया था? तो इसका उत्तर है, पत्नी के इलाज में उसकी तमाम पूंजी जमा पूंजी खर्च होने से करमवीर गरीब हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, धर्मवीर कैसे अमीर बन गया था? तो इसका उत्तर है, धर्मवीर ने खेती के साथ व्यापार भी शुरू कर दिया जिससे उसकी गिनती गांव के अमीर लोगों में होने लगी। अगला प्रश्न है हमारा, बूढ़े ने करमवीर को चक्की चलाने के बारे में क्या बताया था? तो इसका उत्तर है, बूढ़े ने बताया कि इसे सीधे हाथ की तरफ घुमाकर तुम जो भी मांगना चाहोगे वहीं तुम्हें मिल जाएगी। जब तक तुम चक्की को बाएं हाथ की तरफ नहीं घुमाओगे तब तक वह चीज़ तुम्हें मिलती ही रहेगी। अगला प्रश्न है हमारा, करमवीर के हाथों में पत्थर की चक्की देखकर उसकी पत्नी उदास क्यों हो गई? तो इसका उत्तर है, करमवीर की पत्नी इसलिए उदास हो गई क्योंकि उसने सोचा कि उसका पति भोजन लेकर आएगा परंतु वह तो एक चक्की लेकर आया था। अगला प्रश्न है हमारा, धर्मवीर अपने परिवार के साथ दूसरे देश क्यों जा रहा था? तो इसका उत्तर है, धर्मवीर ने सोचा यदि इसी गांव में रहा तो लोगों को चक्की चुराने की बात कभी ना कभी पता चल ही जाएगी। यह सोचकर वह अपने परिवार के साथ समुद्र के किनारे आया और सभी लोग नाव में बैठकर दूसरे देश जाने लगे। हमारा आखिरी प्रश्न है, नाव समुद्र में क्यों डूब गई थी? तो इसका उत्तर है, नमक के बोझ से नाव समुद्र में डूब गई। थैंक यू।